सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो ये है, अभी मैं खड़ा हुआ हूं गाजियाबाद RRTS स्टेशन पर। तो देख सकते हैं तस्वीरें, अभी ये तो जा रहा है मेरठ की साइड में। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोरिंग का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। अब ट्रैक पर बिछाने का काम चल रहा है और देख सकते हैं वो सबसे लास्ट वाला है जहाँ पर ये ऊपर से धूप चमक रही है, वहाँ पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। वो लास्ट वाले पिलर पे देख सकते हैं वो फ्लोरिंग का वहाँ पर काम किया जा रहा है, वही हिस्सा बचा फ्लोरिंग के लिए। और आपको बता दूँ जो स्टेशन पे, ये गाजियाबाद वाले स्टेशन पे, इस पर स्टेयर बनाने का काम चल रहा है और जो सनरूफ बनाने का काम है उसके अभी पिलर्स लगाए जा रहे, स्टैंड किए जा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। तो देख सकते हैं इस पर फेस सेटिंग बिछाई जा रही है जहाँ ये बस निकली है इस वाले पोजीशन पे। तो सामने से धूप पड़ रही है तो इस वजह से ज़्यादा नहीं चमक रहा है दोस्तों, फिर भी देख सकते हैं ये क्रेन मशीन द्वारा काम चल रहा है इन पर। आप बता दूँ सारे जितने भी कौन कौन से लेवल हैं उन पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि गाटर लगाए जा रहे हैं, गाटर रखे जा रहे हैं और गाटर रख देने के बाद में इन पर फ्लोरिंग किया जा रहा है। तो अभी यही काम चल रहा है, देख सकते हैं किस तरीके से ये सनरूफ का काम चल रहा है बनाने का। और इनके खंभे लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किए जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट वाले खंभे कनेक्ट किए जाएंगे, फिर इसमें सनरूफ बनाया जाएगा, इनकी मतलब की सेटिंग बिठाई जाएगी, फिर ये लगाए जाएंगे। और आपको बता दूं एंट्री और एग्जिट पॉइंट तो बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं ये क्रेन मशीन रखी हुई है आगे और उसके पीछे, इस पर मतलब की फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है। और आपको बता दूं यहीं से दोस्तों ये फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा ये शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि ये दोनों स्टेशनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी काम चल रहा है देख सकते हैं तेज़ी के साथ में और यही वर्क चल रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर आप देखते रहो पढ़े दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी यही वर्क चल रहा है और देख सकते हैं ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का जो कौन कौन सा लेवल है वो बना लिया जा चुका है, इस पर फ्लोरिंग भी कर दिया जा चुका है। और आपको बता दूँ देख सकते हैं ये फ्लाईओवर और ये मेट्रो को ये कनेक्ट कर रही है RRTS, तो इसी वजह से इनको स्टील के गाटर से यहाँ पर लगाए गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो मारामूरी रहती। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गाजियाबाद वाला स्टेशन है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन, ये सामने, और दूसरा ये हो जाएगा स्टेशन RRTS का दोस्तों। देख सकते हो यहाँ से हम निकलते हुए आज चलेंगे साहिबाबाद और साहिबाबाद के स्टेशन पर देखते हैं चल के तो वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है दोस्तों। तो बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखो। तो ये इंडियन रेलवे की लाइन जा रही है, ये नया पुल बना था और ये सबसे पुराना है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था और ये ईंटों द्वारा बनाया गया था, तो इसकी मार्ग ख़त्म हो रही और ये RRTS का ये बनाया गया है दोस्तों। देख सकते हैं ब्रिज तो किस तरीके से यहाँ पर देखो कनेक्ट कर रहा है ये राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, देख सकते हैं ऊपर से एलिवेटेड रोड जा रही है, नीचे से ये RRTS गुजर रही है दोस्तों। और यहाँ पर जो वर्क चल रहा है अभी वो चल रहा है ओवरहेड वायरिंग लगाने का काम चल रहा है और इस पर ट्रैक भी बिछाए जा रहे हैं, ट्रैक भी बिछाया जा रहा है और ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है क्योंकि ट्रैक यहाँ पर बिछ के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये जा रहा है राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड दोस्तों, ये 10 किलोमीटर का पार्ट है और ये योगी सरकार ने, जब ये योगी सरकार बनी थी पहली बार तब इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। देख सकते हैं ये चला जाएगा सीधा आप साहिबाबाद के लिए, ये साहिबाबाद के लिए जा रहा है और देख सकते हैं ये ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है और ये आ जाता है सब स्टेशन, यहाँ पर सब स्टेशन बनाया गया और यहाँ पर चार चार वो लगाए गए हैं। और तो देख सकते हैं दोस्तों ये आ चुके हैं हम साहिबाबाद के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपको बता दूं ये रूफ बनाने का काम चल रहा है अभी और रूफ बना दिया जाएगा क्योंकि अभी इसमें लास्ट पिलर और लगाया जाएगा, लास्ट पिलर लगाने के बाद में सनरूफ का फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी आधे हिस्से में तो रूफ लगा दिया जा चुका है और आधा हिस्सा बचा हुआ है यानी कि आनंद विहार साइड का बचा हुआ है।
और गाजियाबाद साइड का तो देख सकते हैं आधा रूफ बना दिया, सनरूफ बना लिया गया, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और यहाँ पर भी अभी ओवरहेड वायरिंग का ही काम चल रहा है इस टाइम पर, और वो बनाया जा रहा है वहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट निकलने और बढ़ने के लिए। और दूसरा ये इधर बनाया जा रहा है साइड में मेरे राइट हैंड पर, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों, और चैनल को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करो वीडियोस को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ नीचे कि वीडियो कैसा लगता है हमारा। और देख सकते हैं ये है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बनाया जा रहा है इस जगह पर, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर अभी इस पर गाटर डाले जा रहे हैं नीचे, और गाटर डालने के बाद में फिर इस पर कॉन्क्रीट लेवल बनाया जाएगा, फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाएगा, फिर इस पर साइड में ही इस पर लिफ्ट लगाई जाएगी, लिफ्ट भी लगाई जाएगी, और इस पर स्टेयर्स भी, स्टेयर्स तो होनी होने हैं दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है अभी ये साहिबाबाद के स्टेशन पर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं वर्कर वो लगे हुए हैं ऊपर सनरूफ बनाने के लिए दोस्तों, तो देख सकते हैं। और ये आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं एक्सीलेटर को भी यहाँ पर लगा दिया जा चुका है, ये एक्सीलेटर लगा दिया जा चुका है, और इसके साइड में ये क्या नाम है, ये सीढ़ियाँ भी बना दी गई हैं देख सकते हैं। और इसके जो अंदर का कॉन्क्रीट लेवल का जो काम है वो आपको बता दूं कि इस पर अभी पेंट किया जा रहा, पेंट हो जाने के बाद में फिर आपको बता दूं ऑटोमेटिक स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे ऑटोमेटिक दोस्तों। जब ये RRTS आएगी खड़ी होगी तब इस पर, जब उसके गेट खुलेंगे फिर उसके बाद में ये ऑटोमेटिक स्क्रीन डोर खुलेंगे, तब आप एंटर कर सकते हैं रैपिड रेल के अंदर दोस्तों। तो बहुत ही टेक्नोलॉजी हैवी है, और हमारे इंडिया में पहली बार ये रैपिड रेल चलाई जा रही है। और भाई साहब क्या बताएं आपको कि ये टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही लेस है, बिल्कुल ही मेड इन इंडिया ये होने वाली है, सब कुछ इसका इंडिया में ही किया जा रहा है, तो इसलिए मेड इन इंडिया है। और आपको बता दूं कि गुजरात के असेंबली में असेंबल की जा रही है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि ये यहाँ पर बनाया गया है। देखिए एक तो वो है एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है, और एक इधर ये पिलर को स्टैंड किया जा रहा है, यहाँ पर पिलर लगा दिया जा चुका है ताकि इसको रोड को क्रॉस कर सकें। तो देख सकते हैं अभी एक ही पिलर खड़ा किया है इन्होंने, इस पर भी अभी सेटिंग बिठा कर और इस पर कंक्रीट भरा जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये देखो फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा इस स्टेशन को क्रॉस करने के लिए, मतलब रोड को क्रॉस करने के लिए ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट का ही आपको बता दूं पिलर बनाया है इन्होंने। तो अभी आगे आने वाले टाइम में देखना आपको कितना बेहतरीन लगता है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।